नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को फाउंडर डायडॉक, और डायडॉक पर आप हेल्थ और हेल्थ केयर से रिलेटेड सभी टाइप की सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इन सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए आप www.diadoc.com पर ज़रूर विजिट करें। अब हम चालू करते हैं आज का वीडियो, वो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स, इसकी डेफिनेशन और इसके कॉजेज के बारे में। और इन सब चीज़ों को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो पहले हम डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं, और इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेस देन 120/80 mmHg होता है, और इसमें जो आगे वाली रीडिंग है लेस देन 120 mmHg वाली रीडिंग है वो होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये वो आर्टीरियल प्रेशर है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ये उस फोर्स को बताती है। और जो पीछे वाली रीडिंग है लेस देन 80 mmHg, ये होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये उस टाइम का आर्टीरियल प्रेशर है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है और इसमें ब्लड फिल हो रहा होता है, ब्लड भर रहा होता है, तो ये उस प्रेशर को डिनोट करते हैं। और अगर हम हाइपरटेंशन की बात, तो उसमें पहला आता है प्री हाइपरटेंशन या फिर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की स्टेज। इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 139 mmHg के बीच में होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 टू 89 mmHg के बीच में होता है, प्री हाइपरटेंशन या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की स्टेज में। उसके बाद जो हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन को बोलने के लिए जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मोर देन 140 mmHg होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो मोर देन 90 mmHg होना चाहिए। तो हम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट्स में डेवलप ही नहीं होते हैं। और इसके वजह से कई बार जो पेशेंट्स हैं उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि हाई ब्लड प्रेशर ही उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जिसकी वजह से पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं लेता, और फिर टाइम के साथ उनके शरीर में बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है, उनमें दिमाग की, दिल की, किडनीज़ की या आँखों की, इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आपको हमेशा इसके इससे जो भी रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करानी चाहिए, और टाइम पर किसी अच्छे डॉक्टर से आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन एक बिनाइन कंडीशन है और इसका अगर टाइम पर इलाज लिया जाए तो ये ईजीली कंट्रोल में आ जाती है। और इसके अलावा फिर भी कई पेशेंट्स में हाइपरटेंशन की वजह से कई सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, तो अब हम इन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडेक के बारे में। तो हेडेक यानी कि सरदर्द एक बहुत कॉमन सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का, और ये पेशेंट में ज़्यादातर सुबह के टाइम होता है, और जो इसकी सीवियरिटी है, इंटेंसिटी है हेडेक की, ये माइल्ड से लेके सीवियर तक भी चल जाती है पेशेंट को, जिसकी वजह से जो रूटीन डेली एक्टिविटीज़ है पेशेंट की वो बहुत इफ़ेक्टेड हो जाती है। तो अगर आपके हेडेक है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर इवेल्युएट करवाना चाहिए डॉक्टर से। सेकंड सिम्टम है चक्कर यानी कि डिजीनेस, और जो ये चक्कर है इसकी वजह से पेशेंट को अपने जो सर है वो घूमता हुआ लगता है, और ये जो सिम्टम है चक्कर के सिम्टम है ये पेशेंट को या तो सुबह के टाइम आ जाते हैं, और कई बार ये जो सिम्टम है ये शाम के टाइम भी पेशेंट को डेवलप हो जाता है, और जो चक्कर है ये पेशेंट को कई बार सरदर्द के साथ भी आ जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है ब्लरिंग ऑफ विजन। तो ब्लरिंग ऑफ विजन यानी कि नज़रों का जो धुंधलापन है ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो आँखों की ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की नलियाँ होती है, उनको डैमेज हो जाता है, और उसके अलावा जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि आँखों का पर्दा है जिसे रेटिना कहते हैं, इन सबको भी ब्लड प्रेशर की हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नुकसान पहुँचता है, और पेशेंट को कई सीवियर डिजीजेस जैसे कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, कोरोइडोपैथी या ऑप्टिक न्यूरोपैथी जैसी सीवियर डिजीजेस डेवलप हो जाती है, और इसकी वजह से जो पेशेंट की नज़रें हैं वो कमज़ोर हो जाती है और दूसरे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है फटीग। तो फटीग, टायर्डनेस या थकान भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डेवलप हो जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है
वो हैम्पर होती है, वो इफ़ेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है बॉडी में वो इफ़ेक्टेड हो जाती है, वो कम हो जाती है। बाकी जो ब्लड हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो लंग्स हैं इसका जो फंक्शन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और लंग्स अच्छे से जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो नहीं कर पाती। और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी डैमेज करता है, और इन सभी कारणों की वजह से जो फटीग है या थकान है वो पेशेंट को महसूस होने लग जाती है। तो फटीग भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट सिम्टम है चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन वो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का, जिसे पेशेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और जो कोरोनरी आर्टरीज़ है हार्ट की वो ढंग से हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती, और इसकी वजह से कई बार पेशेंट को हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो जाता है। और इन केसेस में हाई हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केसेस में पेशेंट का जो ये चेस्ट पेन है ये लेफ्ट आर्म में भी रेडिएट कर जाता है, या नेक में चला जाता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में चला जाता है, या बैक में भी चला जाता है। इसलिए अगर पेशेंट को चेस्ट पेन है तो उसे अर्जेंट ही किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, और जो अपना ब्लड प्रेशर है उसे चेक कराना चाहिए। नेक्स्ट है नेज़ल ब्लीड, और नेज़ल ब्लीड भी एक रेयर बट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाइपरटेंशन का, हाई ब्लड प्रेशर का। और हमारे नाक में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है नाक की वो डैमेज हो जाती है, और इसकी वजह से नाक से खून बहना चालू हो जाता है, और ये एक इमरजेंसी है जिसके लिए पेशेंट को अर्जेंटली किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेज़ल ब्लीड भी एक क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का, जिसे पेशेंट कभी भी इग्नोर नहीं करें। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस की तकलीफ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाइपरटेंशन का, और ये डेवलप इसलिए होता है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो लंग्स और हार्ट है इन्हें एक कंटिन्यूस डैमेज पहुँचता रहता है, और इस डैमेज की वजह से कई सीवियर डिजीजेज जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एंजाइना या पल्मोनरी एडिमा, और पल्मोनरी एडिमा जिसमें कि क्या है फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है लंग्स में, इसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस की तकलीफ रहने लग जाती है। तो इस हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम को भी पेशेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लड इन यूरिन, तो ब्लड इन यूरिन जिसे पिंक यूरिन भी कहा जाता है, ये भी एक रेयर सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट की जो किडनीज है या फिर किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें कंटिन्यूस डैमेज पहुंचता रहता है, और जिसकी वजह से पेशेंट में कई सीवियर डिजीज़ जैसे कि हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ये पेशेंट में डेवलप हो जाती है। बाकी ब्लड इन यूरिन के कई दूसरे कारण भी हैं जैसे कि स्टोन या इन्फेक्शन इन यूरिन, यूरिनरी ट्रैक्ट, ये कारण हो सकते हैं ब्लड इन यूरिन के। तो इसलिए इसका जो इवैल्यूएशन है वो पेशेंट को ढंग से कराना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए। और इसके अलावा भी कई सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के, जैसे कि कन्फ्यूजन, नर्वसनेस, बाकी लॉस ऑफ स्लीप, वीकनेस, पैल्पिटेशन, फ्लशिंग या स्वेटिंग, ये भी सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो इन सिम्टम्स का पेशेंट को ध्यान रखना है, और इनमें से कोई भी सिम्टम अगर पेशेंट में डेवलप हो रहा है तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर से अर्जेंट लेवल पे कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारणों के बारे में। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का कोई कारण नहीं होता, और इस कंडीशन को कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन। ये कंडीशन 90-95% जो अडल्ट्स हैं उनमें पाई जाती है, बाकी 2-10% जो केसेस हैं, 2-10% ऑफ केसेस हैं, इनमें कोई ना कोई सेकेंडरी कॉज पाया गया है हाइपरटेंशन का। और इन सेकेंडरी कॉजेज़ में आते हैं थायराइड की डिज़ीज़ जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपरकैल्सीमिया, इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसके अलावा कई किडनी के डिजीज़ हो सकती है जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या कोई रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी डिजीज़ हो सकती है जैसे कि कोलाजन वैस्कुलर डिजीज़, या ब्लड वेसल की सूजन आ जाए जिसे वैस्कुलाइटिस कहते हैं, इसमें डेवलप हो जाता है। इसके अलावा कई न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं जैसे कि ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर डेवलप हो गया हो, या फिर कोई इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन डेवलप हो गई हो। इसके अलावा कई ड्रग्स भी हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकती है, और इन ड्रग्स में आती है एनसेड्स आती है, एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे कि टैक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन, बाकी इरिथ्रोपोइटिन या अल्कोहल, और इसके अलावा इलीगल ड्रग्स जैसे कि एम्फेटामिन, कोकेन, इनसे भी
हाइपरटेंशन हो जाता है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स, डेफिनेशन और कॉजेज हाइपरटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।